इस कड़कती हुई धूप में झुलसते हुए हम पहुंचे कॉलेज और सबसे पहले हमने वहां मटके का पानी पिया और मैंने तो चना गुड़ भी ले लिया क्योंकि वो फ्री में मिल रहा था। और मुझे लगता है चना गुड़ खा के मेरे दिमाग की बत्ती जल गई थी, तभी तो मेरा एग्जाम इतना अच्छा बना। और मैं एग्जाम दिला के बाहर बैठी ही थी कि मुझे नौदय के पुराने क्लासमेट्स मिल गए। यार नेक्स्ट एग्जाम हमारा ईवीएस का है, इसलिए मैं ईवीएस वाली मैडम से मिलने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गई, पर मैडम तो थी नहीं। पर कोई बात नहीं, किसी बहाने यहाँ आने को तो मिला। और वैसे भी ये डिपार्टमेंट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत सुंदर डिपार्टमेंट है। वैसे हम तो रास्ते में यही सोचते हुए जा रहे थे कि हम जब भी किसी मैडम से मिलने जाते हैं वो तो हमें मिलती ही नहीं है। और रास्ते में हमें हमारा फ्रेंड मिल गया, हमने उसको बोला कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। मैंने तो वहाँ सबसे पहले न्यूज़पेपर खोला क्योंकि मुझे वर्ड पजल सॉल्व करना था, पर मुझे पता चला पत्रिका न्यूज़पेपर को 68 ईयर्स हो गए, यानी 7 मार्च को 69th एस्टैब्लिश डे। और बाकी दिन तो लोग 8-8 बजे तक रहते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ लोगों को कि 7:30 बजने से पहले ही चले गए। इन सुनी सड़कों को देख के हमारा गला भी सूना हो गया था, इसलिए हम गए पानी पीने और ऐसा लग रहा था अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। बाय बाय।